दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे और उसमें से एक प्रश्न मैं देख रहा था जो कि कॉमन रूप से आ रहा था कि बकरियों को मिनरल मिक्सचर हम कब दें कब नहीं दें। कई भाई कहते हैं कि सर बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मिनरल मिक्सचर देने से, तो कौन सी अवस्था है जिसमें हम मिनरल मिक्सचर को बंद कर दें या मिनरल मिक्सचर को ना दें, मिनरल मिक्सचर को हम कितनी मात्रा में दें, ये बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो के बाद मिनरल मिक्सचर से रिलेटेड सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। देखिए मिनरल मिक्सचर कितना इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। हल्की सी जानकारी दे दूं कि जो भी हम खिला रहे हैं बकरियों को, चाहे वो हरा चारा है चाहे वो सूखा चारा है या दाना मिश्रण है, उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे जिनकी ज़रूरत होती है। कितना भी अच्छा खिला लीजिए लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिएंट जिनकी ऑल ओवर बॉडी को निश्चित मात्रा में ज़रूरत होती है वो नहीं मिलते। इस वजह से ही मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता होती है। अगर प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिलेंगे, तो बकरी नंबर वन ग्रोथ नहीं करेगी, नंबर टू अगर बकरा है तो अपनी कैपेसिटी नहीं दिखाएगा, अगर बकरी है तो समय पर ग्याबिन नहीं होगी, अगर ग्याबिन हो गई है तो बच्चा देते समय परेशानी रहेगी, जहर नहीं गिरेगी या वापस हीट में नहीं आएगी, हीट में आ भी गई है तो रिपीटर बन जाएगी, दूध प्रॉपर नहीं देगी तो बच्चे भूखों मरेंगे। यानी कि मिनरल मिक्सचर की इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है सभी के लिए। हाँ हम इतना कह सकते हैं कि जो बकरियाँ दूध दे रही है, अच्छा दूध दे रही है, उन्हें मिनरल मिक्सचर की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो बकरे एवरेज है उन्हें एवरेज मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि आप मिनरल मिक्सचर बकरों को कम दे सकते हैं, बकरियों को आप अच्छा मिनरल मिक्सचर दीजिए। बकरों में जो मिनरल्स है किसी भी माध्यम से निकल नहीं रहे हैं, उसके शरीर में स्टोर हो रहे हैं, जबकि बकरियों में दूध के माध्यम से बाहर भी निकलते हैं। इस वजह से जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनको हमें मिनरल मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, और जो दूध नहीं देने वाली है उनको आप बकरों और उनको बराबर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिनरल मिक्सचर को कब देना है और कब नहीं देना, मात्रा भी मैं आपको बता दूंगा आगे, कब देना कब नहीं देना। ये इस बात को सुनिए, मिनरल्स की और विटामिन्स की ज़रूरत बॉडी को हर समय होती है, तो दाना मिश्रण की भी ज़रूरत हर समय होगी, हरा चारा सूखा चारा की ज़रूरत भी हर समय होगी, ये तो तय है। तो इसका मतलब हर समय आपको मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा, ये तय है, किसी भी अवस्था में आप बंद नहीं कर सकते। कहीं कहते साहब ग्याबिन होगी बंद कर दो, नहीं, मिनरल मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको बंद नहीं करनी है, कंटिन्यूसली उसे चलाते रहना है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो कंटिन्यूसली अगर आप चलाते रहेंगे निश्चित मात्रा में, ये नहीं मैं कहता कि ओवरडोज कीजिए, निश्चित मात्रा में, जैसे 5 से 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर हम प्रति बकरी दिया करते हैं जो बकरी दूध दे रही है, और जो दूध नहीं दे रही है उसको 5 ग्राम ही दे दीजिए, बकरों को 5 ग्राम ही दे दीजिए, जो ग्रोइंग स्टेज में बकरे बकरियाँ हैं उनको भी 3 से 5 ग्राम ही दे दीजिए, बहुत है। यानी कि एक कम मात्रा में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है मिनरल मिक्सचर। इसीलिए आप आराम से मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल हर अवस्था में हर उम्र में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपका बकरा बकरी छोटे बच्चे जो दाना मिश्रण खा रहे हैं, हरा चारा सूखा चारा खा रहे हैं, उन्हें आप मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी अवस्था में दीजिए, बस लिमिट में रखिए और कोई दिक्कत नहीं है। जो दूध दे रही है उनको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और बाकी जो मैंने बताया है इस हिसाब से आप मिनरल मिक्सचर दीजिए, कभी भी बंद मत कीजिए। बहुत ही शानदार ग्रोथ और जितनी परफॉर्मेंस हम बकरियों से लेना चाहते हैं वो सारी परफॉर्मेंस कन्फर्म मिलेगी।